हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं आज लाइट रिएक्शन के बारे में। मैंने आपको जब पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसमें मैंने बताया था कि ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना के अलावा जो भी पार्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट में, उसमें डार्क रिएक्शन होगी। तो आज अपन बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। ये पूरी लाइट रिएक्शन जो है ये ग्रेना के अंदर होती है। इसकी फॉलोइंग स्टेजेस हैं, जिनमें से आधी अपन आज पढ़ेंगे, आधी कल पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज है इसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स आपको याद रखनी है किसके बाद कौन सी हेडिंग आएगी। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम एसेसरी पिगमेंट्स टू क्लोरोफिल ए। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब क्लोरोफिल, अब देखो फोटो, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर कई सारे पिगमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए के अलावा, क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको अपन एंटीना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको छोड़ दो, क्लोरोफिल ए को छोड़ दो, क्लोरोफिल ए को छोड़ दो, तो जितने भी पिगमेंट्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं एंटीना। इनका काम होता है कि ये लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ये लाइट एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे ट्रांसफर? एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर पर, एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर पर। ठीक है, यहाँ पे देखो दो एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर है ग्रेना के अंदर। ठीक है, कौन कौन से? अपन ने कल पढ़ा था T700 और T680, ये पढ़ा था ना कल अपन ने, ये यही एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर है। कल जब अपने डायग्राम में देखा था तो ये जो ट्रैपिंग सेंटर थे बिल्कुल लास्ट में थे, ऊपर की तरफ बाकी के पिगमेंट दिए हुए थे। ठीक है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स ये दिए हुए थे, लेकिन ये जो P700 है और P680 है ये क्या है, एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर है, एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये एंटीना का काम करते हैं, दैट मीन्स लाइट एनर्जी को एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर पे ट्रांसफर करेंगे। एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर कौन कौन से हैं? P700, P680। ये क्या है? फोटोसिस्टम फर्स्ट और ये है फोटोसिस्टम सेकेंड। अब आपको याद आ गया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि फोटोसिस्टम फर्स्ट का एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर है P700 और फोटोसिस्टम सेकंड का एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर है P680। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन इसको। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट लाइट के, लाइट एनर्जी के डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं ये एंटीना की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये लाइट एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर पे। यहाँ पे दो एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। ठीक है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर है P700 और फोटोसिस्टम सेकंड में एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर है P680। इतनी चीज़ें क्लियर है सबको? अब आती है अपनी थर्ड, आती है अब अपनी थर्ड स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज देखते हैं अपन, और ये पूरी प्रोसेस ग्रेना के अंदर हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये पूरी प्रोसेस ग्रेना के अंदर हो रही है।
ऐसे सारे पिगमेंट्स हैं यानी कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, इन्होंने एनर्जी का ट्रांसफर किया एनर्जी ट्रैकिंग सेंटर दैट मीन्स पी 700 पी 680 पर। जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, क्लोरोफिल ए जो है ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। हेडिंग से समझ में आ रहा है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल ए बाय फोटॉन्स ऑफ लाइट, यानी कि क्लोरोफिल ए पर जैसे ही एनर्जी आती है, जैसे ही लाइट एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट में जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ी, जैसे ही इसके ऊपर लाइट आई, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, ऐसे अपन इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद जब क्लोरोफिल ए अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, अब क्या होगा? अब यहाँ पर जैसे ही क्लोरोफिल ए पर लाइट आएगी, लाइट आती है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इतना अपन आज पढ़ रहे हैं, इसके बाद का कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ने से पहले इसको अपन एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करवाऊंगी स्टार्टिंग से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्लोरोफिल ए जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, जिससे वाटर का फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, जिससे वाटर का फोटोलाइसिस होगा। एक बार फिर से अपन इसे पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन की कई सारी स्टेजेस हैं। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोप्लास्ट। ये आपको हेडिंग से याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, देन इसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए को छोड़कर, ये एंटीना का काम करते हैं। इनका काम है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर पे। जैसे एनर्जी ट्रैपिंग सेंटर यहाँ पे दो हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट का है P700 और फोटोसिस्टम सेकंड का है P680। ठीक है, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए पर। जैसे ही क्लोरोफिल ए पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, क्लोरोफिल ए अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ है आपकी, ये देखो आपको हेडिंग्स याद रखनी है बस। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक बार में बता दिया है, आपको हेडिंग्स याद रखनी है। ठीक है, और ये आप ऐसे है ना इसको ड्रॉ कर सकते हैं रिएक्शन के फॉर्म में, तो फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है,